मैं वी राजीव रेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं मूलांक 9 की जानकारी देने वाला हूं कि अगर किसी भी इंसान का जन्म किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख को होते हैं तो वह मूलांक 9 वाले कहलाते हैं, या कह सकते हैं वे 9 नंबर वाले होते हैं और 9 अंक पर मार्स प्लेनेट मतलब मंगल ग्रह के प्रभाव पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूलांक 9 वाले के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। ठीक है, मंगल एक ऐसी एनर्जी है ना जो एकदम अंगारे की तरह चमकने वाली, दहकने वाली है, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी है और इनसे प्रभावित व्यक्ति दुनिया में थोड़े से एकदम चमक धमक के साथ रहना चाहते हैं। मतलब कि होते हैं ना कि हीरे की तरह चमक हो उनके जीवन में या फिर सोने की तरह चमक हो, इस तरह के इनके लाइफ स्टाइल होते हैं। मैं उनके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इन तारीखों में जन्मते हैं तो वो मंगल ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं। मंगल ग्रह के 2-3 व्यक्ति के नाम याद दिलाना चाहूँगा जरूर। पहला सलमान खान, जो कि जिनका जन्म 27 दिसंबर को है, और दूसरा अक्षय कुमार जिनका जन्म 9 सितंबर को है, और तीसरा ये 18 जुलाई को है जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। और ये तीनों मंगल ग्रह के ही हैं और तीनों जब मिले थे तो बने थे मुझसे शादी करोगी एक फिल्म थी वो बने थे और काफ़ी एंटरटेन किए थे लोगों को और पिक्चर भी काफ़ी हिट हुई थी। तो इन तीनों को भी आप ध्यान में रख सकते हो, उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरे मतलब इनको लेकर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मतलब मंगल ग्रह को लेकर बना रहा हूँ और मूलांक 9 वाले को लेकर बता रहा हूँ। ये तो बस ऐसे ही थोड़े एंटरटेन करने के लिए आपको बताया। तो इनके इसमें बताऊंगा इनके किस तरह के पर्सनालिटी होते हैं, व्यक्तित्व, व्यवहार, चरित्र, ये सब चीज़ को लेकर बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा इनके लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसे चलते हैं और इनके कैरियर से संबंधित बातों को भी बताने वाला हूं। और भी बताऊंगा लक्की कलर इनके कौन से होते हैं, लक्की डे कौन से होते हैं, किन मूलांक वाले लोगों से इनकी फ्रेंडशिप अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और मैंने मूलांक 1 से लेकर 8 तक की जानकारी दे दी है, उसकी भी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ मंगल ग्रह के प्रभाव से ना इंसान काफ़ी वीर, साहसी और योद्धा प्रवृत्ति के बनते हैं, जिसका कारण इनको युद्ध के देवता भी कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, और इनको क्या होता है ना कि क्रोध बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ये जो एनर्जी है ना काफ़ी एनर्जेटिक वाली एनर्जी है। ये फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और मेंटली भी दोनों ओर से। ठीक है, तो इनके व्यक्तित्व भी उस तरह से चमक दमक वाली होती है। इन्हें दिखावा, शानो शौकत वाले जीवन भी काफ़ी पसंद पड़ती है। एक्चुअली मंगल जो ग्रह होते हैं ना ये सांसारिक और भौतिक जीवन को ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जनरली। ठीक है, और तो इसलिए इनको चमक धमक, ताम झाम, तड़क भड़क वाली जीवन ज़्यादा पसंद होती है। मतलब शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, जितने भी संसार के सुख सुविधाएं वाली चीज़ है ना उनको ये पसंद करते हैं। ठीक है, इसको लेकर थोड़े दिखावा भी करते हैं। तो दिखावा में क्या होता है ना कि थोड़े खर्चीले भी हो जाते हैं, तो इस ओर थोड़े ध्यान देने चाहिए। और अगर झूठे दिखावे हो तो मतलब कि अगर पैसे वगैरह ना हो और दिखावे के इंटरेस्ट हो तो वो तो गलत ही हो जाएंगे, फिर भी इन्हें दिखावा करना भी पसंद होता है। और ये क्या होता है ना कि ये काफ़ी योद्धा प्रवृत्ति वाले साहसी लोग तो होते ही हैं। इसके साथ ही क्या होता है ना कि इन्हें अपने काम में किन्हीं का इंटरफेयर, दखल पसंद नहीं होता। और अगर ये कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं तो उनका पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं, और अगर कोई उनमें दखल देंगे ना तो ये इन्हें गुस्सा आते हैं। और पहला कि ये तो उस काम से उनको इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, और या फिर अगर पॉसिबल हो तो उस काम से खुद को अलग कर लेते हैं। ये काफ़ी रोबदार भी होते हैं और इनकी बातों में वजन होते हैं। ठीक है, और क्या है ना इनमें लीडरशिप की क्वालिटी फिर भी अच्छी होती है। गुस्सेले स्वभाव के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, कहने का मतलब ये गुस्से के कारण झगड़े हो जाते हैं इनके, जिनके कारण इनके बहुत सारे मतलब कि विरोधी भी हो जाते हैं और कुछ शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। मतलब गर्म मिजाज रहेंगे तो ऐसे तो क्रिएट हो ही जाते हैं। और इनके क्या होते हैं ना इस तरह के इनके गर्म मिजाज इनके बहुत बड़े नेगेटिव चीज़ है। अगर इनको कंट्रोल कर ले तो ये नंबर लक्की है और लाइफ में काफ़ी सक्सेस कर जाएंगे, अगर इनको कंट्रोल और बैलेंस में कर ले तो। क्योंकि ये क्या होता है ना कि मंगल जब निर्बल पक्ष में जाती है, कमजोर पक्ष में, तो क्या होता है कि इन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेंगे। ये अपने परिवार और सगे संबंधियों से भी झगड़ने लगते हैं। जब मंगल की कमजोर स्थिति आ जाती है तब, या मंगल निगेटिव में जाती है मंगल के प्रभाव, तो अपने सगे संबंधियों से झगड़ सकते हैं, अपने अधिकारियों से, साथ में काम करने वालों से, जिससे कि बाद में पछताने पड़ेंगे और अच्छी स्थिति नहीं रहते हैं। और इस कारण क्या होता है ना कि सारे के सारे तहस नहस हो जाते हैं, सारे रिश्ते बिखर जाते हैं और सब कुछ तितर बितर हो जाती है। तो इसको और थोड़ा ध्यान दें। इसके साथ ही घर में इनके गुस्से इस तरह से होते हैं ना, तो इसलिए घर में कुछ घातक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ को न रखें, या जैसे कि कुछ अस्त्र शस्त्र हो गए, विषैले चीज़ें हो गए और कुछ भी हो, जो किरोसिन, पेट्रोल कुछ भी हो, तो इस तरह की चीज़ें अगर मंगल के जब खराब प्रभाव आएंगे तो इनके नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए इनको पहुँच से दूर ही रखें तो ज़्यादा बेटर होंगे। ठीक है, और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें, घर में शांति बनाए रखें, बस यही बोलना चाहूँगा। और जैसा मैंने बोला कि ताम झाम और तड़क वाले ग्रह, इनमें लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी होती है। एक पॉजिटिव चीज़ ये बताता हूँ, कुछ भी हो, झगड़ालू प्रवृत्ति के भी हो, प्रवृत्ति के नहीं मतलब कि गुस्से के कारण झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इनमें अच्छे खासे लीडर की क्वालिटी होती है। अच्छे संगठनकर्ता होते हैं, लोगों को, अपने साथ में काम करने वाले को ख्याल भी रखते हैं, या अपने अधीन में रहने वाले को लोगों को ख्याल भी रखते हैं, इसलिए एक अच्छे
लीडर बोल सकते हो और अच्छे संगठनकर्ता भी बोल सकते हो इस कारण, तो ठीक है ये चीज़ इनके अच्छे हैं। अब अगर इनके धन की बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग पीरियड में इनको थोड़े स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये थोड़े मजबूत हो ही जाते हैं बाद में, ज़्यादातर मामलों में देखे जाते हैं। मतलब इनके पास धन संपत्ति फिर ये पैदा कर लेते हैं, जमीन जायदाद भी पैदा कर लेते हैं, और मतलब रहते हैं इनके पास अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर ये इनको अपने पास पैदा कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो क्योंकि अगर ये चीज़ रहेंगे तभी अपने भौतिक जीवन को इंटरेस्ट लेकर इंजॉय लेकर जी सकते हैं, क्योंकि इनको जनरली भौतिक जीवन में ही इंटरेस्ट होते हैं। और अब मैं इनके अगर नेचर के अनुसार अगर इनके करियर को लेकर बात करूँ, तो इनको डिफेंस वाले करियर अच्छे रहेंगे, सिक्योरिटी वाले, पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये स्पोर्ट्समैन वाले काम जिसमें कि शारीरिक बल की ज़्यादा ज़रूरत हो, वो उस तरह के काम, साहस वाले काम इनको ज़्यादा सूटेबल होंगे और इनको मज़ा भी आएगा करने में साहस वाले काम। और जैसे खेल होते हैं ना, जैसे फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, इस तरह के जो साहस और शरीर वाले काम होते हैं, तो वो सब भी काम में भी इनको अच्छे तो लगेंगे ही, साथ ही इनको इंजीनियरिंग, डॉक्टर वाले काम भी अच्छे इनको सूटेबल हैं, ड्रामा, थिएटर, एक्टिंग ये भी इनके लिए अच्छे हैं, राइटिंग, डिजाइनिंग ये भी इनके लिए अच्छे हैं, और ज़मीन की खरीद बिक्री वाले काम भी ठीक रहेंगे, और लॉयर वाले काम और ठेकेदारी वाले काम, इस तरह के काम जो इनकी रौबदार पर्सनालिटी को रौबदार बनाती है, वो सब काम अच्छे लगते हैं। जैसे नेवी हो गए, एयरफोर्स हो गए, आर्मी हो गए, ये सब वाले काम भी इनके लिए अच्छे सूटेबल रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी जो काम कर रहे हैं और उस काम में अगर इनको मज़ा आ रहा है ना, तो वही उनके सबसे बेस्ट काम है। अगर वो काम अच्छे हैं और फ़ायदे भी दे रहे हैं, तो ये वही काम सबसे अच्छे हैं। अगर इनके लव लाइफ की बात करूँ, तो लव लाइफ में क्या होता है ना, लव लाइफ में एक्चुअली ये मैंने बोला ना कि ये सांसारिक भौतिक जीवन है, हर तरह के मतलब कि बाहरी जीवन को ही जीना पसंद करते हैं, एक रॉयल लाइफ जीना पसंद करते हैं और जीने की पूरी कोशिश करते हैं और जीते हैं। तो इसलिए ये लव लाइफ और रिलेशनशिप में खासा इंटरेस्ट भी लेते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं, इंजॉय करते हैं। अब सभी लोग इंटरेस्ट लें ये नहीं बोलूँगा, और सभी लोग लव लाइफ में सक्सेस होते हैं ये भी नहीं बोलूँगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना आपको, 70-80% बातें पॉसिबिलिटी है कि ऐसे रहते हैं, और जहाँ तक लव लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस नहीं भी रहते हैं इनके और रहते भी हैं, तो उसका कारण होते हैं इनके गर्म स्वभाव, जिससे रिश्ते नाजुक हो जाते हैं और बाद में आप समझ ही सकते हैं टूट सकते हैं और टूट भी जाते हैं। तो ये है कि अपने स्वभाव को थोड़ा नरम कर ले, तो लव लाइफ में भी सक्सेस हो जाएंगे और हर फील्ड में सक्सेस होंगे अगर इनके गुस्से को कंट्रोल कर ले। तो ये हो गया, और दूसरा ये तो होंगे। अब मैं क्या बोलते हैं, इनके थोड़े करियर भी बता ही दिया किन चीज़ों में ये सक्सेस होते हैं, धन के मामले में सुदृढ़ मजबूत ही दिखे जाते हैं। और हाँ, हेल्थ को लेकर बताऊँ तो हेल्थ में जनरली ये हिट एंड फिट रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े निगेटिव को अगर बताऊँगा तो गुस्सा को अगर ये कंट्रोल कर लेना, तो इनके हेल्थ ये लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि गुस्से के कारण फिजिकली और मेंटली दोनों ओर से नुकसान होते हैं। तो इनको अगर ध्यान में रखें तो ठीक रहेगा, और थोड़े मेडिटेशन हो सके तो मेडिटेशन करें। और बताना चाहता हूँ कि नशीले चीज़ों से इनको दूर रहने चाहिए, ये इनके लिए अच्छे नहीं है किसी भी प्रकार के नशीले चीज़। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, दुर्घटनाओं से बहुत सावधान रहें, जैसे कि आग है, विस्फोटक पदार्थ या किसी भी प्रकार के दुर्घटनाएँ जहाँ पर खतरा है ना, उन चीज़ों से इन्हें दूर ही रहना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि दुर्घटनाओं को लेकर काफ़ी सावधान रहें, और मौसम परिवर्तन से भी इनके स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, तो इस पर भी थोड़े ध्यान दें। और अगर मैं इनके लक्की डे की बात करूँ, तो हफ्ते के लक्की दिन तो इनके मंगलवार और गुरुवार रहेंगे, साथ ही सोम और शुक्रवार भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर इनके लक्की फ्रेंडशिप अगर मैं बोलूँ कि किन मूलांक वालों से अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तो जिससे दिल मिले उसे फ्रेंडशिप, जिस जो मैंने अपने अपने अच्छे के लिए सोचे, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताऊँ तो इनके लिए 1 और 3 मूलांक वाले लोगों से अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, और 2 और 4 से भी हो सकती है। ठीक है, ये इन चीज़ों से इनकी फ्रेंडशिप अच्छी होती है इन मूलांक वालों से। अब मैं इनके लक्की कलर की बात करूँ, तो इनके लिए रेड कलर लक्की माने जाते हैं और गुलाबी कलर, पिंक कलर लक्की माने जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।